रियलमी जो कि हर महीने एक ना एक फोन तो लॉन्च करता ही है, इस साल रियलमी ने रियलमी सी सीरीज में 3 फोन लॉन्च किए हैं। एक रियलमी C3, दूसरा रियलमी C11 और आज इंडोनेशिया में रियलमी C15 को लॉन्च किया है और जल्द ही ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। रियलमी C15 में रियलमी C11 से कैमरा और बैटरी में अपग्रेड्स देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में रियलमी C15 के एस्पेक्ट्स, प्राइस और फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रियलमी C15 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियलमी C11 में आपको सिर्फ डुअल रियर कैमरा देखने को मिला था, पर रियलमी C15 में आपको क्वाड रियर कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा 2 मेगापिक्सल रेटिना लेंस और चौथा 2 मेगापिक्सल BMW लेंस। वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है F2.0 अपर्चर के साथ। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में मिल जाएगा। डिस्प्ले यहाँ आपको रियलमी C11 के जैसा ही मिलेगा, 6.5 इंच HD+IPS डिस्प्ले, मिनी ड्रॉप के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 16:720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ आपको मीडियाटेक हेलियो G35 का चिपसेट दिया गया है, जो 2.3 GHz पर क्लॉक्ड और 12 नैनोमीटर पर फिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। IMX पावर VR GE832 GPU मिलता है। मीडियाटेक हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी यहाँ आपको मिल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी मिलने वाला है। जियोमेट्रिक ग्रेडियंट डिजाइन यहाँ देखने को मिलेगा, ये 2 कलर में आएगा, ब्लू और सिल्वर। इस फोन में सबसे खास होने वाला है इसका बैटरी। यहाँ आपको 6000 एमएच का बिग बैटरी मिलता है 18 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ। यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह रियलमी UI 1.0 के साथ आएगा, जो एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। यहाँ आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल 4G होल्ड का सपोर्ट मिल जाएगा, डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लगभग सभी सेंसर यहाँ आपको मिल जाएंगे। अब स्टोरेज और प्राइस की बात करें तो इंडिया में 2 स्टोरेज वेरियंट में आ सकता है। पहला 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस 9000 के आसपास हो सकता है, और दूसरा 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस 11000 के आसपास हो सकता है। इंडिया में लॉन्च होने के बाद देखते हैं इसका स्पेक्स और प्राइस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। इस फोन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।